उदाहरण तीन, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल, त्रिभुज ओ ए सी में हमारे पास दिया है ओ ए का मान हमें 5 सेंटीमीटर, और ओ सी का मान दिया हुआ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है और ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारे पास OA जो है वह विकर्ण है, तो विकर्ण का वर्ग OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है, तो लंब है हमारे पास इसमें त्रिभुज में OC का वर्ग, और आधार जो है यहाँ पे त्रिभुज में AC है, तो AC का वर्ग किए। अब OA का मान हमारे पास OA बराबर 5 है, तो 5 की घात 2 बराबर OC का मान 3 है, तो 3 की घात 2 धन AC की घात 2, तो या AC की घात 2 बराबर 5 की घात 2 ऋण 3 की घात 2, या AC की घात 2 बराबर 5 की घात 2 का मान 5 × 5 = 25 होगा ऋण 3 की घात 2 3 × 3 = 9 होगा, तो AC बराबर 25 में से 9 को घटाने पर हमें 16 प्राप्त होगा। AC बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे, AC की घात 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल 16 होगा, और फिर वर्गमूल 16 का मान 4 × 4, तो 4 जो है अपना वर्गमूल से बाहर निकलेगा, तो AC का मान अपना 4 सेंटीमीटर हुआ। अतः जीवा AB जो है वो 2 गुना AC है, और यहाँ पे जो हमने AC का मान निकाला है, यहाँ पे हमने AC का मान निकाला है 2 × 4 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त होगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त की। यह इस उदाहरण का हल होगा।